रुवा देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। हार से आदमी निराश होला लेकिन हताश ना होके, हार ऐसा चीज है जौन आगे बढ़े के आदमी के ऊर्जा देवेला और ज्यादा मेहनत करे के अंदर से इच्छा पैदा करेला। कहल जाला कि हार जौन बा उ जीत के पहला सीढ़ी है और हार यह बात के प्रमाण होला कि प्रयास में थोड़ा सा कमी रह गई बा और थोड़ा जम के प्रयास करे के जरूरत। लेकिन बिहार में एगो हार लोकसभा में जौन भइल उ विपक्ष के पूरी तरह से हताश कर देले बा और निराशा इतना बढ़ गई बा कि कोई कुछ सार्थक और पॉजिटिव जौन कहाला सकारात्मक विचार नहीं खेले आओत। गोर लगाते हैं स्वागत पर बोलो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। अक्सर हुआ सुन ले हो कब कि हार के बाद नया ऊर्जा के साथ टीम उठ गेला, टीम तैयारी करेला। हालांकि अगर देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन के स्थिति थोड़ा सा उलट हो गई रहा, चूँकि महागठबंधन के जौन सेनापति रहे हैं वो हार के बाद से फरार हो गए रहे हैं। हालांकि 30 दिन के बाद वो नजर अले और नजर अले तो अभी भी सदेह ना ट्विटर पर जौन उनकी उनकर शुरू से ही एक प्लेटफॉर्म हुए जहाँ वो अपन बात रखे ले। ट्विटर के माध्यम से वो कहले हैं कि हम इलाज करावत रही और इलाज करा करके हम हालांकि हम बिहार के पूरा राजनीतिक और यह हो रहा घटनाक्रम पर नजर रख ले रही हैं। लेकिन जौन आदमी 29 दिन 28 दिन के बाद ट्विटर पर एगो ट्वीट करके ये बतावे कि हम आ रहा बनी, वो आदमी 28 दिन में इतना बड़ बड़ घटना घटल और उकर एक भी ट्वीट करे के स्थिति में ना रही सन कौन बीमारी हो गई रहे। जौना में वो देखत तो रहन लेकिन बोलत ना रहन, अपन भाव प्रकट ना करत रहन, बड़ा चिंता के विषय बढ़ुए। लेकिन खैर एकर बेहतर जवाब सदन में और बहुत जल्दी नजर आई है सदेह तो तेजस्वी यादव दी है। लेकिन ओकरा पहले के हम बात बता रहल बानी कि बिहार के राजनीति जौन बा घटनाक्रम बा वो बड़ा औंजा गई बा, हर चीज के एक अलग नजरिया से अलग तरह से देखल जा रहल बड़ुए और एकरा के इतने नीखे देखल जात। एकरा के देखे में सबसे बड़ बात बुड़े कि आरजेडी के और बिहार के कद्दावर नेता बड़ बड़ नेता जो ने को लंबा अनुभव से राजनीतिक के अपना दिशा बदलने पड़े दशा बदलने पड़े वो सब हताश नजर आता रहे। बिहार में या पूरे दुनिया में राजनीति के दू गो अलग अलग धारा होला। एगो धारा होला जेकरा के जनता चुन करके भेजेली सत्ता चलावे खाती और एगो धारा होला जेकरा के जनता चुन के भेजेली विपक्ष खाती। चूंकि लोकतंत्र के सबसे बड़ा जोन गुण अवगुण बढ़ुए उ बात सत्ता और विपक्ष के एक दूसरा के कमी और बेसी निकालना, जनता के हित में बात करना। विपक्ष पूरी तरह से हताश नजर आवत रहे। अब बुझाता कि फिर कभी इलेक्शन ना हुई, कभी चुनाव ना हुई और विपक्ष कभी भी दोबारा उभर के सामने ना आई। कई गो प्रमाण बढ़ुए प्रमाण के भी लोग भुला गिल बा और खास करके चिंता तब बढ़ होता कि जब बड़ बड़ नेता रघुवंश प्रसाद जैसे नेता हताशा में ये बात कहे खातिर मजबूर होता रहे कि जेकरा के चुनला ओकरा से तू अपन काम करवाओ, ओकरा के खोज, जे हार गई जेकरा के हरा दिल ओकरा काहे खोजता रह। एकरा मतलब कि कहीं ना कहीं ई समझ में आ गई बा आरजेडी के और विपक्ष के नेता लोग के कि स्थिति अब असामान्य हो गई बा। वो लोग खातिर अब कोनो ऐसा रास्ता नहीं के जौना से वो लोग उभर के सामने आए। दो दिन पहले रघुवंश प्रसाद एगो बयान दिले हो, बयान में उनका हताशा नजर आते हुए और सीधा कहता रहे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कहे खोजता रहे, खोजे के बाद तो मोदी के वोट दे बड़ा मोदी के खोजे। कोई नेता प्रतिपक्ष की नहीं जरूरत, प्रधानमंत्री क्या किया 70 वर्षों में विफलता है तो काहे के लिए जीता है, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। पार्टी के लिए लड़ाई के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, हम लोग लड़ाई के व्यूह रचना ठीक कर रहे हैं, लड़ कर दिल्ली को डा देंगे। एक साथ साथ अब तेजस्वी यादव भी कई तरह से घिर रहा बड़ा में। एक अतने नहीं है तेजस्वी यादव के लेकर के जहाँ एक तरफ कांग्रेस के स्टैंड कुछ अलग हो गई बा, कांग्रेस बार बार ये बात के रिपीट कर रहा बुढ़े कि अब आरजेडी के साथ चले में नुकसान छोड़ के दूसर कुछ नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में अगर कोई सत्ता पक्ष से सीधे सीधे टक्कर ले रहा घेरल हा तो ऊ बड़ुए कांग्रेस,
कांग्रेस विपक्ष के भूमिका में पूरी तरह से उभर के सामने आई रहा, चाहे वो बात कर ली कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के मदन मोहन झा के, या फिर बात कर ली कांग्रेस प्रवक्ता लोग के। हालांकि प्रवक्ता लोग के यह बात के मना ही रहा था कि वो लोग मीडिया में कोनो बयान ना दी। एक बावजूद युवा कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव रहा था। कई हाली मदन मोहन झा, वीरेंद्र सिंह जे प्रभारी बड़े बिहार के, उस सारा लोग दौरा कैला और चमकी बुखार में जनता के एहसास करावल हा, पीड़ित लोग के साथे खड़ा भइला, डॉक्टर के समझावल हा और सत्ता पक्ष के यह बात खातिर भी बतावल हा कि उ अपना जिम्मेवारी के निर्वहन करस। इस सब भइला के बाद अब स्थिति बा कि तेजस्वी यादव के अलग अलग तरह से घेरल जाता। सुशील मोदी एगो बयान जारी करके कहले बड़े कि रोंदू बच्चा के तरह बहाना करता रहे तेजस्वी यादव लगे कोई वैलिड कारण नहीं है। संजय सिंह के बारे में तो लोग बतेबे कहीं कि संजय सिंह बार बार कहता रहे कि स्कूली बच्चा के तरफ बिहेव करता रहे। कौन ऐसा उनका बीमारी हो गया रहा जना के इलाज करावे में वो इतना ज़्यादा मशगूल रहे हैं। ठीक बा बीमारी भर रहा तो इलाज भी होला, लेकिन मेडिकल बुलेटिन कहना जारी के लिए नेता प्रतिपक्ष बड़े वही उनका साथी लोग के भी कई तरह के विचार और कई तरह के मन बड़ुए मिजाज बा। अब ये सब के लेकर के पूरी तरह से बिहार के राजनीति एक बार फिर से नया करवट लेवे जा रहा बड़ू है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव के लेकर के पूरा राजनीतिक चर्चा एक जगह पर बड़ू है, वही अब आने वाला 2020 के विधानसभा के चुनाव के तैयारी पूरी तरह से अपना रण में आवे लागल बड़ू है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के लेकर के कई तरह के प्रयास कर जाता, कई तरह के बात बढ़ुए, कई तरह के चर्चा छिड़ रहा बढ़ुए, वही अब एगो नया चर्चा ई छिड़ गिल बा कि नीतीश कुमार जी वक्त के इंतजार करता रहे, सही समय के इंतजार करता रहे, जैसन 2014 में भई रहे बिल्कुल स्थिति वैसने नजर आवत रुए। सब कोई के याद हुई कि 2013 में नीतीश कुमार जी अलग भई रहन, 2014 में लोकसभा के चुनाव भई और चारों खाने विपक्ष जीत हो गई, नरेंद्र मोदी के बहुत बड़ा नाम आई और प्रधानमंत्री बनावे के उनकर एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के सपना पूरा भइल। ओकरा बाद देश के कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपन सत्ता स्थापित कई बस। ये सत्ता स्थापित करे में नरेंद्र मोदी के नाम और उनकर छवि बहुत काम आई, जम के मेहनत भइल और खास करके अमित शाह के रणनीति पूरी तरह से पास भइल। अब तो अमित शाह देश के गृह मंत्री बन, एकरा साथ साथ तू भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बन। 2014 के बाद 2015 में जब बिहार में चुनाव भइल तो एजा स्थिति बिल्कुल उलट हो गई, नीतीश कुमार जी के रणनीति एजा काम कैलस और वो अंतिम समय में महागठबंधन बनौलन जना में RJD और कांग्रेस शामिल भइल। RJD और कांग्रेस साथे मिल करके जबरदस्त पटकनिया वो भारतीय जनता पार्टी के दलन और सत्ता में महागठबंधन आई। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से 1.5 साल के शासन के बाद, 1.5 साल महागठबंधन के साथ रहला के बाद अपन मन मिजाज बदल ले और फिर वो NDA के तरफ चल गए। और NDA के तरफ गए तो लोकसभा के चुनाव में वो 17 में से 16 सीट जीत के लिए, मतलब उनकर जीत के जो रेशियो बढ़ुए वो 90% से ज़्यादा रहा। अब एकरा बाद 2020 के चुनाव आ रहा बढ़ुए, रुआ समझ सकता नहीं कि पूरा कहानी रुआ लोग को बतैनी है। वो कहानी 13 से शुरू होकर के 19 तक आइल, विधानसभा में नीतीश कुमार जी के अलग सोच, लोकसभा में अलग सोच, लेकिन इस सारा सोच एक जगह आके टिकल बढ़ुए और वो सोच बढ़ुए बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी। देखे वाला बात हुई कि तेजस्वी यादव और यानी चचा और भतीजा के जोड़ी का आप फिर से साथे आवत रुए, या फिर नीतीश कुमार जी जो नया विकल्प कांग्रेस के साथे तैयार करता रहे और RJD में टूट के बात हो रहा बढ़ुए वो कितना सफल होते रुए और कितना प्रमाणिक बढ़ुए। बहुत जल्दी इस सारा चीज़ नज़र आ जाए। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र खत्म होते बिहार के राजनीति में एक अलग तरह के माहौल, तासीर और
राजनीतिक दल के गठबंधन, गठजोड़ और आमने सामने टक्कर देखे के मिली। एकरा में अभी तत्काल नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से बैकफुट पर बाड़न और तेजस्वी यादव भी बैकफुट पर बाड़न। जहां तेजस्वी यादव अपने लोग से घिरल बाड़न, वही नीतीश कुमार भी अपने लोग से घिरल बाड़न। लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला जारी बा भारतीय जनता पार्टी के, उनका सत्ता के लेके, उनका शासन के लेके, और उनका फेलुअर होके तक के बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा बा। और केंद्रीय नेतृत्व एकरा पर जरा भी विराम लगावे खातिर सोच समझ नहीं के रखले। एकर मतलब बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार के राजनीति में अभी निश्चित रूप से एकदम तीर के निशाना पर ललटेन के साथ बढ़ो गोड़ लगा तनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।